दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट जो अभी हुआ है, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं, बट सब इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं होते. तो कोलकाता में जो हुआ है दैट इज अ वेरी हीनियस क्राइम विच हैज हैपेंड. एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोग डिमांड करें, तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आता है तो हम लोगों को थोड़ी सी इसकी सिक्योरिटी मिल सकती है. तो पेशेंट रात के कुछ तो 12:30-1 बजे के आसपास आयन की कैजुअलिटी में आया था, और उसके साथ 7 से 8 उसके रिलेटिव्स वगैरह भी आए थे. एंड पेशेंट ने ऑलरेडी दारू पी वगैरह पी रखी थी. पेशेंट वॉज ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड एंड वो ऑलरेडी बाहर कुछ मारपीट वगैरह करके आ चुके थे. उसकी वजह से उसके चेहरे पे बहुत घाव थे, और घाव के उनको मतलब वो घाव के लिए उसको ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही थी, और उसको सूचर्स वगैरह लिए गए थे. बट वो जो घाव थे वो चेहरे पे थे, तो एक ENT रेफरेंस करना पड़ता है, उनके जो फिटनेस है वो देनी पड़ती है. तो उसके लिए 3:30 बजे के आसपास ENT डिपार्टमेंट को उनका फिटनेस के लिए भेजा गया था. एंड 3:30 बजे के आसपास हमारी जो फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर थी वहाँ पे, वो ऑन कॉल थी. एंड जैसे ही वो वहाँ पे गए, तो शी स्टार्टेड एग्जामिनिंग द वुंड. एंड वुंड जो एग्जामिन करते हैं, तो ऑलरेडी जो ड्रेसिंग वगैरह की रहती है वो जस्ट निकालते हैं. तो निकालने के टाइम पे दैट्स अ वेरी नॉर्मल एंड माइनर प्रोसीजर, एंड दिट इज अ रूटीन प्रोसीजर जो की जाती है वुंड एग्जामिन करने के लिए. तो जैसे उसने निकालने की कोशिश की, पेशेंट ने ऑलरेडी दारू पी रखी थी, तो पेशेंट स्टार्टेड अब्यूजिंग हर. पेशेंट ने ऑलरेडी वहाँ पे उनको गाली गलौज करना वगैरह चालू कर दिया. एंड वो देखते ही देखते उसके जो रिलेटिव्स थे, तो रिलेटिव्स ने अगर समझना चाहिए कि अब पेशेंट उनका अगर पेशेंट अगर इंटॉक्सिकेटेड दारू पी है उन्होंने, तो उन्हें पेशेंट को संभालना चाहिए. तो पेशेंट को संभालने की वजह उन्होंने भी उसको, हमारी जो महिला डॉक्टर थी उसके ऊपर उसका वर्बल अब्यूज, जो गाली गलौज करना वगैरह चालू कर दिया, और हाथापाई के लिए जैसा पूरा उनकी उसके ऊपर आ गई. एंड जो पेशेंट का जो ऑलरेडी जो वुंड के ऊपर जो खून वगैरह लगा हुआ था, उसका जो कॉटन वगैरह था वो भी उसने पूरे उसके शरीर पे लगाना चालू कर दिया, फेस पे ऊपर लगाना चालू कर दिया. एंड उसके बाद में जैसे ही फिर पेशेंट रिलेटिव ने वगैरह सॉरी जो अपनी नर्सेस वगैरह थी उन्होंने इंटरवीन वगैरह किया, और इन सब के बीच में जो हमारी जो रेसिडेंट डॉक्टर थे उसके हाथ पे एब्रेशंस वगैरह भी आ चुके थे. एंड जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश की, वो 7 से 8 लोग अलोंग विद पेशेंट सबके सब भाग चुके हैं यहाँ से. तो सायन पुलिस स्टेशन हम लोग वहाँ पे FIR रजिस्टर करने आए, इंडिविजुअल FIR एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल FIR हम लोग अभी रजिस्टर करने आए हैं. क्या मांग है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है इतना बड़ा इंसिडेंट कोलकाता में हुआ डॉक्टर के साथ. एग्जैक्टली, तो यही सब चीजों की वजह से दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट जो अभी हुआ है, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं, बट सब इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं होते. तो बेसिकली इसलिए हम लोग के अभी और जो कोलकाता में जो हुआ है दैट इज अ वेरी हीनियस क्राइम विच हैज हैपेंड, और उसके निषेधार्थ हम लोग अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. और प्रोटेस्ट में हम लोग की यही मांग है, अब हम लोग की बेसिक मांग है बेसिकली, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए काम की जगह पे, हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए. और जो पीड़ित महिला जो है जो कोलकाता की जो रेसिडेंट डॉक्टर जो हमारी बहन है, तो उसको हम लोग को न्याय मिलाना चाहिए. तो उसको न्याय और एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के हम लोग डिमांड करें, तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर आता है तो हम लोग को थोड़ी सी इसकी सिक्योरिटी मिल सकती है. मतलब जो ऐसे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, जो ज़्यादा हो रहे हैं वो थोड़े कम हो जाए, और जो दोषी रहेंगे जो रिलेटिव रहेंगे या फिर पेशेंट रहेंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होए. हॉस्पिटल का डीन या हेल्थ मिनिस्टर या कोई कुछ संपर्क हो पाए इस मामले को लेकर? हाँ, हमारे जो हॉस्पिटल के डीन है डॉक्टर मोहन जोशी सर, वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ये सब केस में. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.